हेलो दोस्तों, आप सभी लोग को मेरे चैनल पर स्वागत है। मिस्र की पुरावशेष सेवा के प्रमुख गैस्टन वॉस्परो किंग्स की घाटी के पास दिन अल बहरी में एक कैस में पाए गए राजाओं और रानियों की ममियों की खोल कर रहे थे। एक सादे अलंकृत ताबूत के अंदर जिसमें मृतक की पहचान एक कोई सुराग नहीं मिला था, वॉस्परो ने कुछ ऐसा पाया जिसमें उसे चौंका दिया। उन्होंने देखा कि भीड़ की खाल में लिपटा हुआ प्राचीन मिस्र वासियों के लिए एक अनुष्ठानिक अशुद्ध वस्त्र एक युवक का था, जिसके हाथ और पैर बंधे हुए थे, जो चिल्ला रहा था। बाएं पेट पर कोई चीरा नहीं था, जिसके माध्यम से एम्स बलुनर ने सामान्य रूप से आंतरिक अंगों को हटा देता था। आदमी और पारंपरिक ममीकरण नहीं किया गया था, जैसे कि उन्होंने लेज मोमिस रॉयल्स डे डियर और बाहरी में लिखा था। मास्परो को ने यह यकीन था कि बेईमानी हुई है। जिन लोगों ने उसे पहली बार देखा, उन्होंने सोचा कि ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे जहर दिया गया है। पेट और पीठ का संकुचन हताशा पूर्ण गति के जैसे हाथ और पैर पीछे की ओर फेंक रहा हो। चेहरे पर फैली दर्दनाक दर्द की अभिव्यक्ति शायद ही किसी सम्मान स्पष्टीकरण की अनुमति देता है। इसी प्रकार पोलिश वैज्ञानिकों ने एक टीम ने बताया कि उन्होंने एक चीन गर्भवती मिस्र की मम्मी का एकमात्र ज्ञात उदाहरण खोजा है। मम्मी को पहले पुरुष पुजारी माना जाता था, लेकिन स्कैन से पता चलता है कि यह गर्भावस्था के बाद के चरणों के एक महिला थी। परियोजना के विशेषज्ञों को मानना है कि अवशेष 20 से 30 वर्ष की आयु की एक उच्च स्थिति वाली महिला की है, जिनकी मृत्यु पहली शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान हुई थी। यह प्रस्तुत है कि ममीकृत गर्भवती महिला का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है, और ऐसे भ्रूण की पहली रेडियोलॉजिकल छवियां उन्होंने जर्नल लेक की खोज में घोषणा करते हुए लिखा है। भ्रूण के सिर की परिधि की उपयोग करते हुए उनका मानना है कि अज्ञात कारणों से मां की मृत्यु 26 से 30 सप्ताह के बीच हुई। मिस्र की एक बेहद पुराने साइट पर पुरातात्विक ने एक ऐसी मम्मी खोजी है जिसकी जीभ सोने की है। मिस्र की प्राचीन परंपराओं में ये कहा जाता था कि मरने के बाद ये मम्मी भगवान से बातें करती है, शायद इसलिए जीभ वाली मम्मी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि सोने की जीभ के पीछे की कहानी क्या है। सोने की जीभ वाली मम्मी मिस्र के प्राचीन इलाके तपोसिरिस मैग्ना में मिली है। ये करीब 200 साल पुरानी एंटीक्विटीज मिनिस्ट्री द्वारा हाल में ही जारी बयान में कहा गया कि उस समय ऐसी मान्यता रही होगी कि मरने वाला प्रभु से बातें करता होगा, इसलिए सोने की जीभ के साथ दफनाया गया। इस बयान से यह भी पता चलता है कि मिस्र के प्राचीन कहानियों को माना जाता है कि अगर सोने की जीभ वाली मम्मी गॉड ऑफ द अंडरवर्ल्ड यानी पाताल के देवता ओसियस से मिले होंगे ओसिरिस से मिली हो, तो उसने बात करने के लिए सोने के जीव मदद करी होगी। मरने के बाद सोने के जीव को देवताओं के बात करने के लिए योग्यता के तौर पर देखा जाता था। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।